इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर शहर के पलासिया थाना पुलिस ने फर्जी जमानतदार के खिलाफ 420 का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी कूटरचित दस्तावेज लेकर जमानत देने पहुंचा था। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दरअसल पुलिस कमिश्नर कार्यालय जोन 2 के अधिकारी के पास कल धारा 110 के प्रकरण में जमानत के लिए आरोपी एक जमानतदार को लेकर पहुंचा था। जमानत की प्रक्रिया के दौरान जब दस्तावेजों की छानबीन की गई तो वह फर्जी दस्तावेज निकले। वहीं जमानतदार भी फर्जी निकला। जो व्यक्ति जमानत देने आया था उसका नाम मनोहर की जगह मोहनलाल लिखा हुआ था और उसके दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। जोन 2 के अधिकारियों ने तुरंत आरोपी एवं जमानत देने आए बदमाश सहित मनोहर लाल उर्फ फर्जी मोहन, निवासी समाजवादी इंदिरा नगर, आनंद निवासी परदेशीपुरा और मोहम्मद शफीक निवासी खजराना, 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है, जो हमारी DCP सर की जो न्यायालय है, उसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के दौरान, जो बाउंड ओवर के दौरान कुछ ऐसे लोग आए थे जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जिनके संबंध में तस्दीक की गई तो वो सही नहीं पाई गई, तो इसमें एक कार्रवाई थाना पलासिया क्षेत्र में की गई है और ऐसे लगभग 4 लोगों को पकड़ा गया है और उनका साथ में ये भी जानकारी निकाली जा रही है कि ये किस प्रकार से इस तरह के जमानतदार न्यायालय में पेश करते हैं और कई बार जो आरोपियों के साथ में मिल करके जो कई क्रिमिनल ऐसे रहते हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, वो इस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो इसमें पूरी एक केस पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। सर, किस व्यक्ति की जमानत देने के लिए ये पूछा था? ये जो यहाँ पर बेसिकली इस कोर्ट में जो आजतन अपराधी होते हैं, जिनके सूचीबद्ध बदमाश हैं या ऐसे अपराधी जिनके 2 से अधिक मामले होते हैं, जिनके विरुद्ध 1/10 की कार्रवाई की जाती है, उनके विरुद्ध में ये मामला एक था और उसी को जमानत को लेकर के ये पेश किए गए थे। We'll be right back.